लेकर 1 बजे का समय लेकर SLB ग्रुप से वार्ता करने के लिए गए थे, 5 बजे तक समय नहीं मिला। कोई ऐतराज वाली बात नहीं है मेरे लिए, तो ऐतराज वाली बात है कि जब हमने लिख के दिया, विनती करी कि मालिक जो तेरे जचे जो बताना, क्योंकि हमारे तो अब सुनने को तैयार नहीं है, पर राजस्थान की धरती पर मत आना। 27 जनवरी को आ गया और थप्पड़ खा गया। बच्चों को बंदूक से हवाई फायर करके रोकने का प्रयास, बहुत बड़ा मूर्ख है। अगर राजपूत को बंदूक और तलवार से उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करेगा, बहुत बड़ा मूर्ख है। लगने से पहले करनी सेना को, राजपूत समाज को विश्वास में लेकर इस बात को आगे बढ़ाओ। लिखित में है हमारे पास में, हमें क्यों दिखाया जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। हमें क्यों दिखाया जाए, हमारे पास लिखित में है, किनको दिखाया गया मुझे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करना। 5 को दिखाया, 50 को नहीं दिखाया, क्यों? नो क्वेश्चन। ये तो मीडिया वाले खुद आपस में तय कर ले कि भाई आपस में किसको दिखाया और किसको नहीं दिखाया। कल मैंने रात को इंटरव्यू पढ़ा था, इंटरव्यू देख रहा था। इफ दिस इज द सेम फिल्म, इफ नॉट देन, अगर ये जो फिल्म आपको दिखाई गई है, अगर यही फिल्म अगर नहीं है, तो फिर किस बात का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं? सिनेमेटोग्राफी का सेक्शन 5E2 वो सीधा सीधा कहता है कि ऐसे में क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिए जाए जो इस तरह का ढोल बजा रहे हैं बिना सेंसर से पास होए हुए। कोई भी फिल्म उस पर क्रिमिनल केस, मैं तो नहीं कह रहा, मैं अभी गुजरात में था और गुजरात ने शायद तय कर दिया था इस देश का भविष्य, पद्मावती का क्या होगा। और ये क्या कहता है, ये लाखों में राजपूत खड़ा था वहां पर, सभी जाति बिरादरी और धर्म के लोगों के साथ। IK जाडेजा BJP का स्पोक्समैन है, शक्ति सिंह गोयल कांग्रेस का व्यक्ति है, शंकर सिंह बघेला विकल्प प्रस्तुत करने की तैयारी में है, सब ने एक स्वर में कहा पद्मावती पद। किसी ने कहा गुजरात में हो, किसी ने कहा देश में हो, किसी ने कहा चुनाव तक हो, जो अपनी मर्जी से कयास लगाते रहते हैं। पर जो सबसे बड़ा कयास, जिस चीज की चर्चा करने के लिए पूरे थप्पड़ खाने के 10 महीने बाद भंसाली जी आते हैं मीडिया के सामने भी नहीं, एक वीडियो जारी करते हैं फेसबुक के मार्फत कि मैं पद्मावती का, मैंने उसी दिन शाम को लेटर लिख के भेजा SLB ग्रुप को। मैंने कहा मैं महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती रतन सिंह की 37वीं पीढ़ी का आदमी हूं। जब यह सवाल उठता है कि पद्मनी थी या नहीं, तो मैं कोई भूत प्रेत हूं? हरिद्वार में पूछ लीजिए मेरे पंडित जी से, पुष्कर में पूछ लीजिए मेरे पंडित जी से, आप अपने पूछ लीजिए, मेरा क्यों, आप अपना खुद का पूछ लीजिए आपके पंडित जी क्या कहते हैं। तो पद्मावती थी या नहीं थी, चित्तौड़ में कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू। पद्मनी नहीं थी तो पद्मनी महल क्यों देखाने देंगे हम? अगर जौहर ही नहीं हुआ तो जौहर स्थल पर किसी को जाने का क्या अधिकार है? जनता कर्फ्यू लगा हुआ है पिछले 5 दिन से, और किस लिए? हमारी भावनाएं, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हवाई फायर करके हमें रोकेगा? अभी एक बयान आया था परसों तरसों के दिन ही, फिल्म हर सूरत में लग के रहेगी। क्या दीपिका पादुकोण कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री? लगा दो। किसने काटा भंसाली का नाम इन बड़बोले लोगों ने? किस्सा हम पर चलता है कि नाक कान और सिर काट लाने की बात कर रहे हैं कालवी जी आपके आदमी। मैंने इतने सारे नाक काटे होते तो अभी तक ये गोदाम भर दिया होता हमने, पर अभी तक तो ये भी नहीं है शॉप में। और इसका कारण क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत आक्रोश है। कोई थर्मामीटर है तो आपने तो लगा दिया, इसीलिए आप यहां पर उपस्थित हैं।
की तरफ से कोई इशारा है जिसके कारण तुम 1 तारीख की जगह 101 तारीख को प्रदर्शित करोगे ये फिल्म, मैं उस 101 तारीख का फिर इंतजार करूंगा। 1 तारीख मुत्तिल कर दी है, भारत बंद हम नहीं कर रहे, पर अगर 101 तारीख को भी अगर फिल्म आ रही है तो इस बीच बाजार में पूरी 36 कौम सारे जाति धर्म की संस्थाओं के साथ में फिर खड़ा नहीं होगा। क्या हो गया ये, क्यों हो रहा है ये? और इसलिए बात चलती है कि इतिहासकार ये जो फिल्म बनाने वाले हैं ये बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं। मुझे जानकारी कम है, मैं तो मानता हूं ये इतिहास जो कोई व्यक्ति नहीं है ये बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने सिर कटाई थी। कहां से है जहां पर इंडिया के मोस्ट वांटेड आदमी को हम ढूंढ रहे हैं, कराची में दाऊद, उस एरिया से है, उसके घर से है कि नहीं है ये तो मेरे को पता नहीं है, पर उस एरिया से है, ये तो ट्रेस आउट कर लिया। क्यों हम कालवी को बम से उड़ा देंगे? अरे इतने सारे लोग अगर इकट्ठे होकर जिस तरह से इस पद्मावती पर इकट्ठे हो रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर अगर फूंक भी मारेंगे तो पाकिस्तान को नक्शे से उठा देंगे दुनिया को। बिल्कुल रास्ता निकल गया, हम इनका बिल्कुल अब रास्ता निकल गया। 1 तारीख को आगे बढ़ा लिया गया, उन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ा लिया, चलो मान लेते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ा लिया। 4 राज्यों ने अपने अपने राज्य में इस फिल्म के फिल्मांकन को रोक दिया। 4 के 14 कर दूंगा जब भी अगली तारीख आएगी उस दिन तक। अभी अगले 2 दिनों में 3 मुख्यमंत्रियों से हाजिरी लगाने जा रहा हूं और इस चीज को लेकर अब ये फिल्म किसी सूरत में नहीं चलेगी। फिर आपने इलाज क्या ढूंढा है? मैंने कहा मेरे पास है इलाज, मैंने ढूंढा है कल मुंबई में बैठकर। मैंने कहा पहले रील हुआ करती थी एक बड़ी सी जिसका अभी भी कहानी चलती है, अब तो सैटेलाइट से आती है फिल्में, अब तो रीले वेले नहीं आती है, पर एक रील होती थी, उस रील में बंद करा जाए पद्मावती को और जौहर की ज्वाला में फेंक दिया जाए, नहीं तो ये जौहर की ज्वाला बहुत कुछ जला देगी, रोको तो रोको इसको। जिन्होंने देखी है उन्होंने क्या कर लिया है, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो सकता है। कैसे वो इस तरह का बयान प्रचार कर सकते हैं? हमें तो एक बहुत छोटा सा स्पष्टीकरण चाहिए था रणवीर सिंह ने जब बयान दिया था, और अब जो उसके अब जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वो व्यवहार कह रहा है कि दाल में कुछ काला है। मैं तो कह रहा हूं दाल ही काली है, काला वाला दाल में नहीं है, दाल ही काली है। अगर जिन्होंने फिल्म देखी है जो बहुत ढोल बजा रहे हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट, वो उसमें सक्षम अधिकारी नहीं है, देख सकता है गलत बात है, पर उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो सकता है आर्टिकल सिनेमेटोग्राफी का आर्टिकल 5 सेक्शन सबसेक्शन E2 क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। मेरी मांग नहीं है कि तो जो इसमें लिखा हुआ है और सेंसर बोर्ड जाने, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। हम पर आरोप लगता है कि आप कोई सुपर सेंसर हैं तो ये ढोल बजा रहे हैं जो ये सुपर सेंसर है। और इसलिए देखिए जब मैं कहता हूं कि शब्दों पर नहीं भावों पर जाया जाए, हमने कितने कान नाक आंख सीम पूछ काट दिए, बंसाली का नाक कान काटा है ना भी, मैं यही कह रहा हूं उसके भाव उसका व्यवहार रेगुलर ऑफेंडर है। क्या करा उसने बाजीराव मस्तानी में? बाजीराव जैसा एक लड़ाई नहीं हारा अपनी जिंदगी में, जिसको एक नर्तकी के पीछे शराब पी के घुमाते हुए दिखा दिया। गड़बड़ करने वाला व्यक्ति है ये, तो राजस्थान में आ गया उल्टा पड़ गया, उसको ये अंदाज नहीं था, उसने देखा कि पीआर बढ़ा लो, इसकी टीआरपी बढ़ा लो, हमने बढ़ा दी। बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने टीआरपी बढ़ा दी इस फिल्म की। अगर उस टीआरपी में अगर चांदी का जूता अगर 100 गुना नहीं लगाया, फिर चांदी के जूते को आप कहीं लेके मत उड़ लेना, वो फिर जूते मार रहे हैं कालवी जी। मेरा तो ऐसे ही 14 नंबर का है। इसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, 5 इतिहासकार हैं, 5 इतिहासकार वो जो आज भी पढ़ा रहे हैं, 20 साल उन्होंने पढ़ा और 30 साल से पढ़ाई करवा रहे हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अग्रवाल कॉलेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसे UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गए हुए चेयरमैन जो इतिहास के प्रोफेसर थे, ऐसे ऐसे लोग हमारे पैनल में है, दिखाएं तो उनको दिखाएं। हम कब क्लेम कर रहे हैं? आज 4 पत्रकारों को भी हमने पैनल में ले रखा है, ये लोग देखें, ये तय करें
कि भाई ये फिल्म लगने लायक है या नहीं है। अभी तक तो बंसाली तय नहीं कर पाया कि ये फिक्शनल है या हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि जो मैंने बनाई है उसको अगर हिस्ट्री लिख दूंगा तो उसमें बहुत तोड़ मरोड़ है, और अगर फिक्शन लिख दूंगा तो फिर जिस बात के पिछले 1.5 साल से झगड़ा है, ये पद्मावती क्यों है, ये लीलावती या हीरावती क्यों नहीं है। कुछ आनंद लेना है, कुछ पीआर बढ़ानी है, कुछ टीआरपी बढ़ानी है, इसके लिए ये सारा नाटक है। और उसको अगर चांदी का जूता नहीं मारा तो मैं 37वीं पीढ़ी का होने का फिर क्या मेरे सिर पर ले सकता, फिर तो मेरा मरने लायक स्थिति है कि साहब हम किस बात के फिर उस बात का गौरव गाते हैं कि हमारे बुजुर्ग वो थे। उनमें कोई इस तरह के सीन की व्याख्या नहीं की गई है कि अलाउद्दीन कौन, पद्मावती कौन, पद्मावती अलाउद्दीन की प्रेमिका, नहीं तो जब हम नहीं थे उससे पहले भी अगर कुछ हुआ होता तो वहां पर विरोध जरूर होता। तो सर आप बोल रहे हैं कि जो पद्मावती और खिलजी के बीच में प्यार दिखाया उससे आपको सबसे ज्यादा सबसे प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चीज थी जो रणवीर सिंह ने कही इसके कारण है, नहीं तो एक बयान ही आना चाहिए था कि साहब रणवीर सिंह ने जो कहा एक बचकानी हरकत है, उनकी पर्सनल रेपो है, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच में नहीं है। इतने से स्पष्टीकरण को हम मान लेते उस दिन, अब किसी स्पष्टीकरण को जिस तरह से 1.5 साल से धोखा दिया जा रहा है, हम किसी स्पष्ट उनके द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण को मानने को तैयार ही नहीं। देखिए मेरे जो प्रवक्ता हैं, एक 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 मेरे प्रवक्ता हैं, उनके पास में आज के 6 दिन पहले एक फोन आया और 5 दिन पहले फिर 2 फोन आए। वो जो 2 फोन है वो अभी तक ट्रेस किए जा रहे हैं, कहां से थे, क्या थे, उनकी लोकेशन वास्तविकता क्या है। एक फोन ट्रेस हुआ कराची से और उसी क्षेत्र के आसपास दाऊद का ठिकाना है, उसके घर से आया, और मैं नहीं क्लेम करता, उसी के आसपास वाले एरिया से आया। और जब मैंने ये बात उठाई थी जो मेरे पिता के साथ में मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी उठाई है कि ये पैसा नोटबंदी के दरमियान में, उसके 15 दिन पहले तो फिल्म शुरू हुई है, और नोटबंदी के दरमियान में पूरे 6 महीने में 150 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, पर वो उस समय फिल्म पूरी होती है जब नोटबंदी का प्रोसेस था, और उस दरमियान में वो तयशुदा पैसा, ये रोज का नाटक है, मुसलमान राजा हो और हिंदू रानी, ये रोज का कहानी है, रोज की कहानी है, कहानी में कोई बदलाव नहीं है। क्या अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा नहीं थी जिसको प्यार हो गया था जालौर के महाराज कुमार वीरमदेव से? अलाउद्दीन ने कहा शादी कर, उसने कहा तुर्कानी से शादी नहीं करूंगा, वीरमदेव का सिर काट लिया गया और फिरोजा यमुना में सती हो गई उस सिर के साथ में। क्या ये स्टोरी नहीं है? क्या ये कहानी नहीं है? ये कहानी नहीं है, इतिहास है, पर इस पर पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि पैसा वहां से आएगा। और इसलिए अब इस तरह की कोई गुस्ताखी में माफी की जगह नहीं होगी। 3 दिन बाद भी उन्होंने लिख के दे दिया। और जो एक इलाज कल मुंबई में पूछा जा रहा था, इसका इलाज बताइए कैसे रोकी जाए ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ को, सौभाग्य से उस समय हमने एक प्रपोजल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की संस्था जो गिल्ड है उसको दिया था कि इतिहास पर बनने वाली हर फिल्म को प्री सेंसर करवा दिया जाए, जब कोई विवाद खड़ा हो उस समय चेक कर ले, सेंसर बोर्ड फिल्म बनने के बाद पूरा काम करता है। आज हम सेंसर बोर्ड पास करता है, 4 दिन बाद फिल्म लगने वाली है, कैसे रोका जाए उसको,